नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है लखन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवाजी टेक में। तो दोस्तों, आप ये तो भली भांति जानते ही होंगे कि भाई हमारे YouTube चैनल को मोनोटाइज करने के लिए जो हमें क्राइटेरिया पूरा करना होता है YouTube का, वो है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि हमें पूरे 12 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होता है। अब दोस्तों, समस्या ये है कि मेरा जो है, मान लीजिए मेरा जो है साल भर होने वाला है, बस कुछ ही समय रह गया है, लेकिन सब्सक्राइबर्स तो चलिए किसी भी तरीके से हमने रो पीट के पूरे कर लिए हैं, लेकिन वॉच टाइम का क्या भाई। 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कम नहीं होता, और होने के लिए तो भाई एक वीडियो में भी हो सकता है पूरा, लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो भाई अब आगे क्या होगा, चैनल हमारा मोनेटाइज कैसे होगा, क्योंकि भाई एक साल होने वाला और हमारा चैनल का जो है अभी क्राइटेरिया पूरा हुआ ही नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर्स तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन भाई वॉच टाइम का क्या, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये समस्या मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत ही सारे लोगों की, जितने भी न्यू क्रिएटर्स होते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि भाई 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई आसान काम भी नहीं होता। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत मुश्किल होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर एक वीडियो ही हमारी थोड़ी सी बूस्ट हो जाए तो ये 4000 घंटे का वॉच टाइम तो भाई हमारी एक वीडियो ही निकाल कर ली आती है और सब्सक्राइबर्स तो आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये सब मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं, देखिए ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि भाई जो भी नया क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पर आता है, यूट्यूब चैनल बनाता, तो भैया एकदम उस पर ना तो क्वालिटी बन पाती है, ना कंटेंट अच्छा दिया जाता है, भाई कुछ ना कुछ तो कमियाँ रह जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ले रहा है भैया अभी तो वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको खुद भी अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मेरे भाई उसका जो है, चलो सब्सक्राइबर्स वो कंप्लीट करा ही लेता, कुछ इधर उधर से, कुछ यार दोस्तों से कहकर, और भाई कुछ वैसे बढ़ ही जाते हैं, चलो मान लीजिए ठीक है हो गए पूरे, भाई 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कैसा होगा, ये समस्या बनी रहती है सबकी। तो दोस्तों, अब भाई बंदा सोचता है क्या भाई, ये तो वो जानता है कि भाई मान लीजिए एक साल के अंदर हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन भाई एक साल बाद फिर क्या होगा, 12 महीने होने के बाद हमारा चैनल क्या मोनेटाइज हो पाएगा अगर हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं इसमें अब आपको जो है सॉल्यूशन बताता हूँ, या न्यूज कह लीजिए, मैं आपकी समस्या ये दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, बात ऐसी है, घबराने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है, आप अपनी कंटेंट और क्वालिटी इम्प्रूव करते जाइए, सॉरी, ठीक है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी रेगुलर वीडियो जो है अपलोड कीजिए। आप एक गलती ये करते हो कि भाई अपनी वीडियो रेगुलर जो है नहीं अपलोड करते हो, कभी 2 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो को पहले तो रेगुलर जो है बना लीजिए, आप इस चीज़ को जो है ठान लीजिए कि मेरे को एक वीडियो डेली देनी ही देनी है, चाहे कैसे भी करके देनी हो, कैसे भी समय निकालना हो, ठीक है, सबसे पहला काम तो यो कीजिए। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात सच है कि भाई 12 महीने के अंदर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। यूट्यूब शुरुआत से नहीं देखता हमारे चैनल को, ठीक है ना, मान लीजिए आज मैंने चैनल बनाया तो आज से ही नहीं हमारे चैनल को देखता, तब से देखता जब हमारा वो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। मान लीजिए हमारा 2 साल बाद भी वॉच टाइम पूरा होता, मान लीजिए आज हो गया और मैंने चैनल बनाया था 2018 में, तो आज मेरा सारी जो है कंप्लीट हो गया है वॉच टाइम सब्सक्राइबर, तो दोस्तों आज से ही हमारा ये टाइमिंग लगेगी बैक तरफ, यानी कि जो है उल्टा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि आज 7 तारीख 6ठा महीना और 2022 से जब पीछे को हम जाएंगे, तो जितना भी हमारा जो समय 12 महीने के अंदर आएगा, जितना भी वॉच टाइम आएगा, सब्सक्राइबर्स आएगा, वही काउंट होएगा, ना कि 2018 से और आज 2022 तक, ठीक है। इस चीज़ को तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि भाई आपकी वीडियो पर 12 महीने हो गए वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस चीज़ को तो आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि YouTube हमेशा जो है तब से उस चीज़ को काउंट करता है जब आपका जो है कंप्लीट हो जाता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो आई होप आप इस बात को तो भली भांति समझ गए होंगे कि भाई जब भी आपका वॉच टाइम पूरा होगा और जब से होगा,
इस चीज़ को नहीं लगाने का यूट्यूब, जब होगा ना जब से और पीछे की साइड तक, तब तक लगाएगा 12 महीने के अंदर अंदर तक। तो भाई इस चीज़ को टेंशन ही मत लीजिए, चाहे आपको 2 साल हो गए चाहे 3 साल हो गए, कभी तो होगा पूरा। लेकिन मेरे भाई आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और पर डे, इन 2-3 निस्प आप काम करते रहिए। मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये बात हकीकत है कि भाई एक ही वीडियो हमारे सारा एवरेज निकाल कर दे देगी हमको, अगर अच्छे से चल गई तो, ठीक है ना, अच्छे से वर्क करी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका यही जो है मिथ क्लियर करने वाला था। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।